एक्सट्रीम हार्डेस्ट चढ़ाई है दुनिया की, बहुत हार्डेस्ट चढ़ाई में हेमकुंड की चढ़ाई आती है। अच्छा, फिर भी ये इनका मौसम हौसला लगा देखिए लिया। कि आए हैं, मतलब बहुत मोटिवेशन हमें मिली, जो आसपास के लोग देख रहे होंगे, रास्ते में भी देखा होगा, उनको हाँ, भी लगा होगा कि बहुत बड़ी बात है। तो कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको? मैं सो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल उत्तराखंड वाला एक्सप्लोरर। और जैसे डेली रूटीन यही है, रात में मौसम ख़राब, बारिश, और दिन में अच्छी खासी धूप। अभी आपको मौसम दिखाया जाएगा। ये मौसम कुछ इस तरीके से है, देखिए आप देख सकते हैं, पूरा मौसम खुला हुआ है। शाम को रात को अगेन फिर से बारिश स्टार्ट होती है, और दिन भर ऐसे सुहाना मौसम रहता है, खूबसूरत रहता है। और इसी के साथ हमारी शुरुआत होती है दिन की डॉक्टर साहब से मिल करके। ये देखिए डॉक्टर साहब भी बिल्कुल सुस्ता रहे हैं, कैसा लग रहा है अरे ड्यूटी मॉर्निंग करके? में हर ही साल आते हैं आप यहाँ तो, दस और साल यहाँ पे हो नए डॉक्टर साहब भी आए हैं। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से आए, दिल्ली से आए हुए हैं। तो कब तक है ड्यूटी यहाँ? 15 तारीख तक 15 बस? बस। अरे इतनी जल्दी जा रहे हो आप, क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, मैट नहीं चल रहा इसलिए अच्छा नहीं ऐसा लग। कुछ नहीं है। हाँ, तो मतलब आप किस चीज़ में स्पेशलिस्ट या? मेडिसिन हाँ मेडिसिन अच्छा, मेडिसिन में है, और यहाँ पे डॉक्टर साहब है, और ये है राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय। यहाँ पे आ सकते हैं आप जब भी ऑक्सीजन लेवल की कमी, मैंने पहले भी इसके बारे में आपको बताया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस किस चीज़ों का यहाँ पे इलाज हो सकता है। सांस फूलना, बेहोशी और चक्कर, आप ये पढ़ लीजिए स्क्रीनशॉट खींच करके। जा रहे हैं वहाँ तक रहते हैं, और उसके आगे नदी आती है। अभी तक मैं गया नहीं हूँ जब से मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगा किसी दिन वहाँ जाने के अंदर। क्या दृश्य है, क्या व्यू है, हो सकता है जानवरों से मुलाकात हो पाए, जैसे भालू हो गया, तो इसलिए अकेले जाना सेफ़ नहीं है। कोशिश करेंगे कभी किसी के साथ जा करके। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो हमारे सेवक होते हैं, जो पुलिस कर्मचारी और भी कर्मचारी होते हैं, तो अभी ड्यूरिंग लेजर टाइम खाली समय में थोड़ा देख रेख रेकी भी कर रहे हैं कि क्या हाल चाल है सभी रास्तों का, तो सब मुआयना करते हैं और ऐसे ही काम पे लगे रहे। हमें बहुत अच्छा लगता है, सेफ़ फील करते हैं हम आपके होने से, तो ऐसे ही सेवा देते रहें। बाकी सबका वाहेगुरु जी का, लक्ष्मण भगवान का आप पे आशीर्वाद रहेगा। और ब्लॉग कब बना रहे हो? देखते हैं, आए बता बनाओ दूंगा। बनाओ, स्टार्ट करो, ठीक है? चलो मिलते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, संगतों की कमी से पूरा जो मार्केट है गोविंद धाम का, वो बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है। तो मौसम जबकि साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। संगतें एक्चुअली ना मेन टाइम से जून के समय ही आती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे 10 अक्टूबर तक का सीज़न है, आइए हर महीने प्लान बना बना करके आइए। जून में इतना क्राउड होती है, तो उसमें संगतों की दिक्कत होती है, मतलब रहने सहने की दिक्कत होती है। तो आप जुलाई में आए, अगस्त में आए, सेप्टेम्बर में आए, ताकि कोई परेशानी ना हो, बराबर मात्रा में आए, ऐसा कुछ प्लान करें कि आप आ सकें। इसी के साथ मेरी यहाँ पे आ गया हूँ मैं गोविंद धाम गुरुद्वारे पे, और बाबा जी को नमस्कार, बाबा जी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग, कैसे हो? बहुत बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया था, देखो सेवा कर रहे हैं वाहेगुरु जी की, तो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। और ऐसी जो मुस्कान है चेहरे पे ना, ये हमेशा हर किसी की होनी चाहिए। चिंता तो नहीं है किसी बात नहीं की? जी, किसी किसी बात की चिंता नहीं। हाँ, बहुत खुशी है, अरे वाह, के कर रहे की बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा बाकी दर्शन करा लेता हूँ मैं वाहेगुरु जी के। और यहाँ पे आप वाहेगुरु जी के दर्शन कर लीजिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सतनाम वाहेगुरु। यहाँ पे घोड़े खच्चर वालों को मिल नहीं रही है कोई यात्री, तो यहाँ पे कुछ ऐसे सुस्ता रहे हैं, कुछ लोग तो इतने टेंशन में है सर पकड़ के बैठे हुए हैं, ये देखें।
और ये गोविंद धाम का दृश्य कुछ मॉर्निंग में कुछ 10:30 बजे के करीब ऐसे रहता है। सभी लोग आना जाना कर रहे हैं। ये देखें, करो करो काम करो। और एक गोविंद धाम 10:30 बजे कुछ इस तरीके से धूप में चमक रहा है, ये रोज की बात है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जो ग्रीनरी होती है, मोस्ट ऑफ ग्रीनरी जो होती है वो जुलाई एंड से अगस्त से लेकर मिड सितंबर तक बहुत खूबसूरत। गोविंद धाम वैली ऑफ फ्लावर हेमकुंड साहिब जो है ना, खूबसूरती बस देखते ही रह जाओगे आप। ये देखें, और कई लोग क्वायरी थी कि रोड ब्लॉक वगैरह है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। रोड ब्लॉक हल्की फुल्की कहीं कहीं जगह है, वो खुल भी रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं खुल रही, खुल भी रही है, हो भी रही है। बाकी ऐसा अभी तक कुछ इतना हैवी किसी का नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, जिस हिसाब से लोग डर रहे हैं। और मेरे प्लीज़ आने वाले व्लॉगरों से भी विनती है कि कुछ ऐसे शेयर करें, तो सिर्फ पॉजिटिविटी शेयर करें, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं। बाकी मैं मानता हूँ सबके अपने थॉट्स होते हैं, कोई नेगेटिव सोचता है कोई पॉजिटिव, बट आप जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों को हेल्पफुल होगा, वो चीज़ हेल्प मिलेगी लोगों को। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, क्योंकि देखिए अगर आप भगवान पे विश्वास करते हैं, वाहेगुरु जी पे विश्वास करते हैं, तो शायद हमें कुछ हो नहीं सकता। बाकी जो होना भी होता है ना, वो घर पे बैठे बैठे भी होता है, उसका दोष हम नेचर पे, रोड ब्लॉक पे कोई बहाने नहीं बना सकते हैं। ऐसे देखा जाए इन रोडों पे रोज अप डाउन करने वाले हम लोग, हम पहाड़ के लोग अप डाउन करते हैं, अगर हम ऐसा सोचने लग जाए रोड ब्लॉक है, ये है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फिर तो बड़ी समस्या हो जाएगी, दुविधा हो जाएगी। तो ऐसा मत सोचिए, जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे ना, उतना आप पॉजिटिव चीज़ों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, आप पॉजिटिव सराउंडिंग में खुद को पाएंगे, आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। क्योंकि जो लोग ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं कि ऐसा है वैसा है, उन्हीं के साथ वो घटनाएं होती है, क्योंकि हम सोच सोच कर उन चीज़ों को अट्रैक्ट आकर्षित कर रहे होते हैं, उन सिचुएशन को, नेगेटिव सिचुएशन। तो बस मेरी विनती यही है, जहाँ भी जाएं, जब भी जाएं, घर पे बैठे हो, कहीं भी हो, बस पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव विचार सोचिए कि कुछ दुनिया बहुत खूबसूरत है। जिस नज़र से आप दुनिया को देखोगे, उसी नज़रिए से आपको दुनिया दिखेगी। अच्छा सोचोगे अच्छी दिखेगी, बुरा सोचोगे बुरी दुनिया दिखेगी। तो सबकी अपने माइंड सेट है, थॉट्स है, तो मेरा भी ये छोटा सा थॉट्स है, आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे। बाकी वाहेगुरु जी की कृपा रहेगी। बाकी हेमकुंड साहिब के देखे, इधर जंगलों को क्रॉस करते करते जाते हैं इधर से ऐसे करके, और यहाँ पे देखे बहुत सारे बैंड्स वगैरह हैं, वहाँ से होकर के यहाँ से पुल से फिर ऊपर जाते हैं और फिर वहाँ पहुँचते हैं हम जन्नत में। मैं जानता हूँ हमारे एक भाई जी मिले थे, आए थे, परसों मुलाकात हुई थी, और अभी ये अकेले ही पूरे झरने तक घूम घूम के हेमकुंड साहिब होके आगे ना, कल हेमकुंड साहिब होके आगे। बढ़िया था मौसम, बहुत शानदार, आज भी बढ़िया है। जन्नत है तो देखो हिमालय में ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वैली ऑफ फ्लावर कब का प्लान है? मोस्ट प्रोबेबली आप कल करेंगे, आज जाना था लेकिन साथ वालों की तबीयत ठीक नहीं हुई। हाँ जी, हाँ जी, चलो उम्मीद करते हैं उनकी तबीयत ठीक हो जाए। बाकी ना सर, मैं एक और चीज मैसेज देना चाहता हूँ आने वाले लोगों से, क्योंकि कठिन यात्रा है, मैं अभी मानता हूँ पैदल, तो आने से पहले 10-15 दिन वो थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह है ना, ताकि मसल खुल जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको तो कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया था। और यहाँ आने के बाद मतलब जो तेल मालिश वगैरह वो चीजें है ना, हाँ। जो जितनी चीजें थी सारी, जितनी थकावट थी वो सब ठीक हो गई। हाँ नहीं, वो है कि अगर आप एक एक चीजों को नोटिस करें, छोटी सी छोटी चीजों को यहाँ की, तो फिर थकान या कुछ ऐसे महसूस नहीं होती है। कोई शिकायत चढ़ने के बाद भी ऐसा लगा कि नहीं भाई, इस चीज के लिए वर्थ इट है इतनी मेहनत। हाँ वो तो है, हाँ, वो तो होता है, भगवान फिर ऐसी जगह बसे हैं तो हम भी, हमें भी जाना पड़ते हैं उनके पास, है ना, भगवान तो आएंगे नहीं हमारे पास चल के। तो आपसे मिलकर अच्छा लगा, उम्मीद करता हूँ कल आपकी यात्रा मंगलमय रहे वैली ऑफ फ्लावर की। बाकी ठीक हो जाएगी उनकी तबीयत, आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी आपके साथ है, ठीक। ओके सर, मिलते हैं। दोस्तों दिन के लगभग हो चुके हैं, 1 बज चुके हैं, और मौसम आप देख सकते हैं बादल से ढक चुकी है पूरी घाटी, पूरी वादी अगेन। और यहाँ पे जो है संगतें आ रही हैं, कम मात्रा में ज़रूर है लेकिन रेगुलरिटी में है, ऐसा नहीं है कि यात्रा बंद हो, बहुत बढ़िया मौसम है।
दोस्तों अभी मैं बैठा था तो मैंने देखा कि एक सर जो है ना आ रहे हैं और उनकी कंडीशन आप देखें, मतलब पैर में रॉड लगी हुई है, जो क्या बोलते हैं इसको, आर्टिफिशियल लेग। उसके बावजूद इतनी एक्सट्रीम हार्डेस्ट चढ़ाई है दुनिया की, बहुत हार्डेस्ट चढ़ाई में हेमकुंड की चढ़ाई आती है, फिर भी इनका हौसला देखिए कि आए हैं, मतलब बहुत मोटिवेशन हमें मिली, जो आसपास के लोग देख रहे होंगे रास्ते में भी देखा होगा उनको भी लगा होगा कि बहुत बड़ी बात है। तो कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको? मैं इससे पहले केदारनाथ से आया हूँ भाई। ऐसे ही मतलब कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं? नहीं क्वेश्चन। अच्छा आप भी ब्लॉगर हैं? हाँ, मैं ब्लॉगर। तो सर भी ब्लॉगर हैं, मैं इनका चैनल का नाम बता देता हूँ, लाला व्लॉग्स। देखिए इस पे भी है इनके गोप्रो पे लाला व्लॉग्स करके, और इनके पीछे भी है यूट्यूब लाला व्लॉग्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड, और इनको भी आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बहुत सारा प्यार देना है। सर आपसे मुलाकात करके अच्छी लगी, और बाकी मैं कल आप वापसी आते हुए जानूंगा आपसे एक्सपीरियंस, ठीक है, आर्टिफिशियल, क्योंकि बहुत लोग के पास सब कुछ है, तब भी उनका आदमी बहाने बनाना, और आपको देख करके बहुत अच्छा लगा। ऐसी उम्मीद करता हूँ वाहेगुरु जी लक्ष्मण भगवान सब आपके आशीर्वाद रखे और आपकी जर्नी को सक्सेस रखे, हर चीज़ को आप सक्सेस मिले आपको, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे आप देखिए कल चेहरे इतने फ्रेश थे, आज पैदल चलने के बाद उतरे हुए चेहरे। कैसा पैर दर्द हो रहे हैं? कितनी एज है आपकी? मेरा ये 14 है। 14 साल की एज में, चलो बढ़िया है, अब प्रैक्टिस हो जाएगी, हर साल एक दो ट्रैक करो फिर आदत हो जाएगी चलने की, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाइक वाइक का थोड़ा कम यूज़ करो, स्पोर्ट्स में थोड़ा ध्यान दो। और अंकल आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया है, एक क्लास। बढ़िया, आप तो पहले भी आए हैं ना, और बच्चे फर्स्ट टाइम आए, अब हर साल आओगे? हाँ बोलो। हाँ चलो बढ़िया, आप तो स्कूल खुल गए होंगे इनके? हाँ जी हाँ। खुल गए स्कूल? 2-3 दिनों की छुट्टी ली होगी, चलो बढ़िया है, चलो मिलते हैं फिर अगले साल, हमेशा मिलते रहेंगे। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से आओ फिर घूमने। सो दोस्तों अभी मैं आया हूँ कांचला हेलीपैड में, बस शाम को टहलने लगभग हो रहे हैं, 5:30 बज रहे हैं, और इस खूबसूरत वादी में ना मतलब दिल करता है यहीं रहे, हमेशा यहीं रहे, बाकी हम रह नहीं सकते यहीं, क्योंकि 4 महीने यहाँ काम के लिए हम आते हैं गोविंद धाम में दुकानें वगैरह देखने, और उसके बाद हमें जाना पड़ता है अपना पुलना गांव में, वहीं रहते हैं, वो भी जन्नत से कम नहीं है, बट लेकिन जो ये खूबसूरती ना ये बहुत अलग है, यहाँ पूरा बर्फ़ से ढक जाता है, पूरे मतलब काफ़ी फीट बर्फ़ पड़ती है, लगभग 5-6 फीट का भी ज़्यादा भी पड़ जाती है उससे, तो इसलिए ठंड में रहना नामुमकिन सा हो जाता है, पानी जम जाता है और जानवरों का डर रहता है इस वजह से। बाकी आप जानते ही हैं कितने खूबसूरत हिमालय के जो पहाड़ हैं, उत्तराखंड है, बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ पे साक्षात भगवान भी दर्शन दे सकते हैं आप लोगों को, या भगवान जो है विराजमान रहते हैं, चाहे वाहेगुरु जी बोल दो, चाहे जितने भी बड़े लोग हैं भगवान हैं, वो सब लोग यहाँ विराजमान करते हैं हिमालय में। तो ये है कांजला हेलीपैड, कुछ इस तरीके से खूबसूरत एक बुग्याल सा, एक खुला सा मैदान आपको देखने को यहाँ मिल जाते हैं, वहाँ पे हेलीपैड है, देखें यहाँ पे लोग रेस्ट करते हैं आने के बाद ना, कहीं गोविंद घाट से आने के बाद पैदल ट्रैक करने के बाद लोग यहाँ पे आधे आधे घंटे विश्राम करते हैं, 1-1 घंटे, तब जा करके वो जाते हैं गोविंद धाम में। गोविंद धाम जो कि कांजला हेलीपैड से लगभग जो है इस जंगल को क्रॉस करते ही आ जाता है, लगभग 0.5 किलोमीटर का और है, 600 मीटर्स अप्रॉक्स जो है यहाँ से है, और ये काफ़ी अच्छा है, प्लेन एरिया आ जाता है। और जो दो मतलब एक हफ्ते के मुकाबले जो संगतें हैं आज काफ़ी मात्रा में आई रही हैं, लगातार जिनको आना है वो तो आ ही रहे हैं, उनके पास कोई बहाना नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, रोड ब्लॉक है, कुछ है, वो आ ही रहे हैं लगातार दर्शन के लिए इस खूबसूरत घाटी में, वादियों में, वाहेगुरु जी के समक्ष या उनके भरोसे जो भी सही करेंगे, जो भी ख्याल रखेंगे वो वाहेगुरु जी रखेंगे। बाकी आप लोग भी दर्शन करने आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आप लोगों से जब आते हैं ना, आप लोग इतना प्यार देते हैं यहाँ पे आकर के मुझे, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ग्रेटफुल और महसूस भी करता हूँ मैं कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, और आप लोगों के लिए फिर मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं डेली ब्लॉग आपके लिए डालते रहूँ किसी भी हालत में, चाहे नेटवर्क हो ना हो, कोशिश कर करके 8-10 घंटे में अपलोड हो ही जाती है वीडियो बना करके, बट आई होप सो आगे भी मैं आप
कपाट बंद होने के बाद भी आप लोगों के लिए रेगुलर ब्लॉग्स डालता रहूं। हाँ, सीज़न बंद होने के बाद दोस्तों सीज़न बंद हो जाता है तो फिर यहाँ कोई रहता नहीं है, तो यहाँ के डेली ब्लॉग तो नहीं आएंगे, लेकिन मैं अपने घर के जो गांव है, घर है, वहाँ की जिंदगियाँ बताऊँगा, पहाड़ों की जिंदगियाँ। तो हो सकता है कि कम लोग देखे वो चीज़, क्योंकि हेमकुंड साहिब के लिए तो बहुत लोग देखते थे, बट जो भी है, जितने भी लोग देखेंगे उनके लिए वहाँ से भी मैं व्लॉग डालता रहूँगा। और जब भी यहाँ बर्फ़ पड़ेगी हेमकुंड साहिब में, यहाँ जहाँ तक भी आया जाएगा, मैं विंटर्स टाइम में भी आऊँगा, आप लोगों के लिए रेगुलर व्लॉग्स भी डालता रहूँगा। बाकी भगवान की इच्छा होगी तो और जगह भी मैं खूबसूरती दिखाऊँगा उत्तराखंड की, जैसा भी हो पाएगा मुझसे, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको ये खूबसूरत घाटी, खूबसूरत वादी और खूबसूरत राज्य उत्तराखंड सब कुछ विज़िट करा पाऊँ, आपको एक्सप्लोर करा पाऊँ, आपको मैं आपके घर पे बैठे बैठे डिलीवर कर पाऊँ अच्छी वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो भी। सो दोस्तों, अभी रात का टाइम है और मेरी मुलाकात हुई है डॉक्टर फिरदौस श्रॉफ जी से, जो कि ब्रदर है, आप खुद बता दीजिए। बता सकते हैं आप देख कर? मैं कजिन ब्रदर हूँ अपने मुन्ना भाई MBBS बमन ईरानी। हाँ। वायरस देखे होंगे, थ्री इडियट्स देखे होंगे, उसमें से मैं एक हूँ। हाँ। तो मेरा नाम है फिरदौस, फिरदौस हमारे पारसीज में, आप लोग आई थिंक पारसीज को तो जानते हो। मैंने लॉ किया है, एडवोकेट हाईकोर्ट हूँ, PhD की है, सब जगह पे डायरेक्टरशिप है, पुणे यूनिवर्सिटी का सीनेट मेंबर हूँ, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र नॉमिनी। तो मैं ये बच्चे लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि सब चीज़ परिश्रम करना है, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। सही बात। और सब एक्टिंग करता हूँ मैं, बमन ईरान से बॉडी डबल करता हूँ बहुत सारे, अभी मैं बायोपिक करना चाहता हूँ। अच्छा। आशीर्वाद चाहता हूँ तो आप लोग मुझे जरा आशीर्वाद दे दीजिए। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, जैसे कहते हैं ना कि पहले मैं होशियार था, दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हूँ, खुद को बदलने चला हूँ। सही, आप दूसरे को मत बदलाव करो। सही बात है कि नहीं? सही बात, बहुत। आप अपने आप, तो मैं एक कंक्लूड करना चाहता कि माना के सारे जहाँ को हसी न कर सके हम, लेकिन एक दो कांटे तो किए कम जहाँ से गुजरे हम। और सब लोग कहते हैं कि माना कि दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन आप तो अच्छे बन सकते हैं, आपको किसने रोका है? सही, आपके ऊपर में बोला ना, बदलाव आप में लाओ, दूसरों को बदलाव मत लाओ। तो आप कर सकते हैं तो वो करेंगे, दूसरा के इसमें ये मत करिए, आप अपने में बदलाव लाओ। दोस्तों, बमन ईरानी सर के ब्रदर, इनसे मिलके, इनसे मुलाकात करके और इनसे जो गुफ्तगु बातें करी हमें, मतलब इतना अच्छा लगा। आप सर आए तो मैं पहचान नहीं पाए, एकदम मैं बिजी था काम पे, आप पहचाना तो बहुत अच्छा लगा। सर आपसे मुलाकात ऐसी होती रहेगी, और आप आए, दर्शन दे और हमें भी मोटिवेट करें अपने वीडियोस के थ्रू, आपसे बहुत मोटिवेशन मिले जो आपके पे है। हाँ, उनको बता देना। हाँ, वो चैनल में लिंक पे डाल दूंगा, बस जो आपका नजरिया दुनिया को देखने का वो सबके पास हो तो फिर दुनिया बहुत खूबसूरत है। 7 तारीख, हाँ, 7 जुलाई 2022, हाँ जी, मुलाकात गंगरिया में हुई है। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर। तो बाय कर दीजिएगा, बाय बाय एवरीबॉडी।